गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम लोकमान्य तिलक स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ 7। वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो 9 चैप्टर है उसमें परसेंटेज है और परसेंटेज में आप लोगों की एक्सरसाइज 9th बी चल रही है। परसेंटेज में आप लोगों को इंक्रीज डिक्रीज के बारे में समझाया जा रहा था और आप लोगों की एक्सरसाइज 9th बी का आप लोगों का पहला क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आज जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। बच्चों, आप लोगों को पहले भी बता दिया गया है, हम एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाएंगे। आप लोगों के जो कुछ खास खास क्वेश्चन सॉल्व करवाते चलेंगे उस आधार पर आप लोग अपने खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द, बच्चों पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब क्वेश्चन जो सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड किस तरीके, फाइंड द सम ऑफ मनी व्हेन डिक्रीज्ड बाय 70% बिकॉज 498 रुपीज। बच्चों यहां पर जो 70% को डिक्रीज कर दिया गया है जिससे हमारी वैल्यू जो प्राप्त हो रही है 498 रुपये प्राप्त हो रही है, यानी कि डिक्रीज जो किया गया है वो है 70%। अगर हम 70% को डिक्रीज कर देते हैं तो हमारी वैल्यू कितने परसेंट बढ़ जाती है, 83%। अगर 100% में से 70% को डिक्रीज कर दिया गया है तो हमारी वैल्यू कितने परसेंट बची, 83%। डियर स्टूडेंट्स, अगर 100% टोटल 100% होता है, 100% में से 70% को डिक्रीज कर दिया जाता है तो हमारी वैल्यू कितने परसेंट बच जाती है, हमारी वैल्यू बची 83%। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब जो 87% हमारी वैल्यू बच्चों, और 87% का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों, 87% का मान दे रखा है 498 रुपीज़। 498 रुपीज़ हैं तो हम कह सकते हैं कि 83% का जो मान दे रखा है, 83% जो मान रहेगा वो कितने का, 498 रुपीज़ का हो जाएगा। 498 रुपये का हो जाएगा, यानी कि इतना रुपये मान हो जाएगा 83% का। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 498/3, इस आधार पर 83। 100% का मान कितना हो जाएगा, बच्चों हमसे 100% का मान पूछेगा, फाइंड द सम ऑफ मनी व्हेन डिक्रीज्ड बाय 70% बिकॉज 498 रुपीज। तो हमसे 100% पूरा मान पूछा गया तो 100% का जो मान होगा वो 498/83 × 100। बच्चों ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये 6 बार डिवाइड हो जाएगा। 6 का इंटू अगर 100 में करते हैं तो इस आधार पर आपका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कितने रुपीज़ हो जाएगा, 600 रुपीज़ हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो आएगा बच्चों वो 600 रुपीज़ हो जाएगा, 100% का मान। अगर 83% का मान 498 रुपीज़ होता, अगर 83% का मान 498 रुपीज़ होता तो इसमें 100% का मान कितना हो जाएगा, 600 रुपीज़। बच्चों इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें डिक्रीज किया गया था और अब क्वेश्चन नंबर 3 में इंक्रीज किया गया। फाइंड द नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 27% बिकॉज 508, यानी कि किसी नंबर को कितने परसेंट इंक्रीज कर दिया गया, 100 यानी कि 27% इंक्रीज कर दिया गया है जिससे आप लोगों का नंबर कितना प्राप्त हो जाता है, 508। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों अगर हम 100% में से 27% इंक्रीज कर देते हैं तो वैल्यू कितने परसेंट पर पहुंच जाती है, 127%। और 127% इंक्रीज यानी कि जो वैल्यू प्राप्त होती है उस वैल्यू का मान है कितना, यानी कि 508। तो हम कहेंगे 127% 127% इज इक्वल टू 508, तो 1% इज इक्वल टू 508/127। ये 4 बार 100% का मान पूछा गया तो 100% का मान 508/127/100। अब हमसे 100% का जब मान पूछा गया तो इसमें 100% का मान कितना, ये 4 बार, तो 4 का अगर हम इंटू 100 में कर देते हैं तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 400,
यानी कि वह संख्या इंक्रीज कर देने के पश्चात 127% का इंक्रीज कर देने के बाद वह वैल्यू किसके परसेंट के बराबर हो जाएगी, 127%, यानी कि 127% का जो मान हो जाएगा वो 508 के बराबर हो जाएगा। तो 1% का मान 508/127, तो 100% का मान 400 हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं आगे। बच्चों, अब आप लोगों की जो एक्सरसाइज है, आप लोगों के जितने भी आगे के क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, और नहीं होते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, हम सॉल्व करवा देंगे। अब जो आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे प्रॉफिट लॉस के। बच्चों, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं आइए सीखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों, प्रॉफिट और लॉस के बारे में थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है। सबसे पहले हम सीखते हैं कास्ट प्राइस क्या होता है। कास्ट प्राइस, सबसे पहले सीखते हैं हम कास्ट प्राइस क्या होता है। कास्ट प्राइस यानी कि इसको हम सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी वस्तु को जितने रुपए में खरीदते हैं वह उसका कास्ट प्राइस होता है, और कास्ट प्राइस को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, सीपी से करते हैं। बच्चों, अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करने लगे तो सेलिंग प्राइस क्या होता है। एसपी। बच्चों, कास्ट प्राइस को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, डेफिनेशन से नहीं आती डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सिर्फ समझते हुए चलेगा कि कास्ट प्राइस क्या होता है, सीपी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो सेलिंग प्राइस होता है उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, एसपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बच्चों, अगर हम बात करने लगे कि किसी वस्तु को जब हम खरीद रहे होते हैं तो खरीद मूल्य उसका कास्ट प्राइस होता है, जब हम किसी वस्तु को बेच रहे होते हैं तो उसका जो विक्रय मूल्य होता है उसका सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि जितने रुपए में किसी वस्तु को बेचा जाता है तो वह उसका सेलिंग प्राइस होता है, और जितने रुपए में किसी वस्तु को खरीदा जाता है वह उसका कास्ट प्राइस होता है। बच्चों, अगर हम कहें कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में हमको प्रॉफिट किस तरीके से होगा, तो प्रॉफिट की अगर हम बात करने लगें, प्रॉफिट, तो बच्चों प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट होता है जब हमारा एसपी का मान सीपी के मान से ज़्यादा होगा, उस कंडीशन में हमको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। यानी कि जब सेलिंग प्राइस का मान कास्ट प्राइस से अधिक होता है तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में हमको क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। बच्चों, लॉस कब होगा, लॉस जब बच्चों सीपी का मान एसपी के मान से कम हो जाता है, उस कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, हमको लॉस हो जाता है। बच्चों, लॉस कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट जब होता है जब हमारा एसपी का मान सीपी से ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी का मान सीपी से ज़्यादा होगा, लॉस कब होगा, जब सीपी का मान एसपी के मान से ज़्यादा होगा, उस स्थिति में हमको लॉस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बात कर चली है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कब होता है, हमको प्रॉफिट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट जब होता है जब एसपी का मान सीपी से ज़्यादा होता है, यानी कि जब एसपी का मान सीपी से ज़्यादा होता है उस कंडीशन में क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट जब होगा, जब एसपी का मान किससे, सीपी से ज़्यादा हो जाएगा, उस कंडीशन में प्रॉफिट। डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो हम प्रॉफिट अपॉन क्या लिखेंगे, सीपी इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं लॉस की, तो बच्चों लॉस किस कंडीशन में होता, जब सीपी का मान एसपी के मान से ज़्यादा होता है तो हम कहेंगे उस कंडीशन में लॉस होता, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब एसपी के मान से सीपी का मान ज़्यादा होता है, सीपी का मान ज़्यादा होता है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमको लॉस होगा। यानी कि लॉस कब होता है, जब सीपी के मान से अगर हम एसपी का मान घटाएंगे तो कंडीशन में लॉस होगा। और लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज का फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, एल अपॉन लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये लॉस परसेंटेज का फार्मूला हो जाता है।
डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रॉफिट के बारे में सीखा, लॉस के बारे में सीखा, आइए सीखते हैं जो भी आगे के जो नेक्स्ट पॉइंट रहेंगे वो डियर स्टूडेंट्स कल करवाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, बाय।